हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम हब। आज के इस वीडियो में हम हिमालयस के बारे में पढ़ेंगे, और अगर आपको ट्रांस हिमालयस के बारे में पढ़ना है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हिमालयस के ऊपर होते हैं ट्रांस हिमालयस, तो हमने पहले ट्रांस हिमालयस कवर किए हैं, अब हम इस वीडियो में हिमालयस पढ़ेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी और आपको इसके नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिमालयस। हमें स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा हिमालय का ओरिजिन कैसे हुआ, हिमालय बने कैसे। तो अराउंड 240 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि जो जितना भी लैंड मास था अर्थ के ऊपर वो एक ही कॉन्टिनेंट था। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले इंडिया अलग है, रशिया अलग है, जापान अलग है, चाइना अलग, वो सब एक ही थे, एक ही कॉन्टिनेंट था, एग्जिस्ट करता था, जिसको हम बोलते थे पेंजिया। फिर अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो पेंजिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, विच इज लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा, जो इंडिया है वो गोंडवाना लैंड में ही था और लोरेशिया। तो ये हमें पता चला कि एक कॉन्टिनेंट था जिसको बोलते थे पेंजिया, फिर पेंजिया कुछ टाइम बाद डिवाइड हो गया लोरेशिया और गोंडवाना में। नेक्स्ट है कि गोंडवाना लैंड में कौन कौन सी कंट्रीज थी। इसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका, ये सब थे। तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे हिमालय माउंटेन थे वो कैसे बने। आपने सुना होगा फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, हिमालय जो बने वो फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं। दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराएंगी तो उसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से बनते हैं फोल्ड माउंटेन। और दो टाइप की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए। दो टाइप की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल और एक होती है हमारी ओशियनिक। वो जो ओशन के नीचे जो प्लेट्स होती हैं उनको बोलते हैं ओशियनिक प्लेट्स। और कॉन्टिनेंटल वो जो जमीन का टुकड़ा होता है, जब जमीन के टुकड़े टकराते हैं तब उनको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बोला जाता है, और जब पानी के अंदर जो प्लेट्स होती हैं वो टकराते हैं उसको हम बोलते हैं ओशियनिक प्लेट। अब हम देखते हैं हिमालय कैसे बने। जो ये यूरेशियन प्लेट थी ये लोरेशिया में थी। यूरेशियन प्लेट कहाँ पे थी, रशिया में। तो ऊपर से तो यूरेशियन प्लेट का फोर्स था, और ये थी हमारी इंडियन प्लेट इंडिया की, जो कि ऊपर नॉर्थ की साइड, नॉर्थ की तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही थी धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया। तो अराउंड, और इनके बीच में एक थी टेथिस सी, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में थी। जब ये इंडिया जब नॉर्थ साइड से ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था तो अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई। इनके टकराने से क्या हुआ, जो ये टेथिस सी था, इन दोनों के टकराने से यहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, और वो जो फोर्स था दोनों साइड से वो कंटिन्यू चलता रहा, जिसकी वजह से जो सेडिमेंट्स थे वो ऊपर की तरफ उठने लगे, और वहां पे वो जो आज हम हिमालयस कहते हैं वो ऐसे बने थे। हिमालय माउंटेन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से टैथिस सी को खत्म किया, और वहां पे सेडिमेंट्स हो गए, दलदल वाला हिस्सा हो गया, और जब वो कंटिन्यू टकराते रहे तो वहां पे हिमालयस बन गए। तो ये था हमारा हिमालयस के बारे में। और ऐसे ही काफी सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं, जैसे रॉकी माउंटेन कैसे बने। अमेरिकन प्लेट और जोंडे दी फोका प्लेट थी पैसिफिक ओशन की, ये ओशनिक प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट थी, इन दोनों के टकराने से बन गए रॉकी माउंटेन। एंडिस के पहाड़ कैसे बने, साउथ अमेरिका की प्लेट और नजका प्लेट के टकराने से। एल्प्स माउंटेन जो कहाँ पे है, रशिया में, वो बने अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से। एटलस माउंटेन भी बने यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट को बनाने टकराने से। इनमें डिफरेंस क्या है कि एल्प्स माउंटेन है वो रशिया में है और एटलस माउंटेन है वो अफ्रीका में है। तो चलिए, ये हो गया हमारा कि हिमालयस का ओरिजिन कैसे हुआ, और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ा, फोल्ड माउंटेन्स, यूरेशियन इंडियन प्लेट के बारे में, और पहले हमारा एक कॉन्टिनेंट था उसको हम पेंजिया कहते थे, और ये पेंजिया डिवाइड हो गई लोरेशिया और गोंडवाना में।
अब हम देखेंगे कि जो हिमालयाज है हमारे वो भी डिवाइड है। पहले जो लेयर आती है वो होती है ग्रेट हिमालयाज जिसको हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज जिसको शिवालिक भी कहा जाता है, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आजकल नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में। आज हम सिर्फ ये तीन पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री के बारे में। ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री, इसको हिमाद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये स्नो से कवर रहती है हर टाइम, हिम स्नो से कवर रहती है हर टाइम, इसलिए इसको हिमाद्री कहा जाता है। और ये अभी हमने पढ़ा था कि कैसे अपलिफ्ट हुई थी, कैसे ये बने थे। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो। और इसका कितनी कितनी लेंथ है इसकी, ग्रेट हिमालयस की 2400 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच करती है अक्रॉस पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड चाइना। इसकी हाइट है, एलिवेशन है 6100 मीटर अबव सी लेवल, और ये 2400 किलोमीटर ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक करती है? नंगा पर्वत पियो के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से नमचा बरुआ तिब्बत में, तिब्बत तक, इतना ही इसका स्ट्रेच है। और ये कंटिन्यू कंटिन्यू है ये। इट इज़ कॉल्ड हिमाद्री। और इसमें माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट, माउंट कंचनजंगा थर्ड हाईएस्ट, माउंट मकालू फिफ्थ हाईएस्ट, ये इस रेंज के पार्ट हैं। और इसको सिंटेक्चुअल बैंड कहा जाता है हिमालय का। सिंटेक्चुअल बैंड क्या होता है? ऐसे जो बैंड होता है ना, जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है एक एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं सिंटेक्चुअल बैंड। तो ये जो हमारे ग्रेटर हिमालयस है ना, वो सिंटेक्चुअल बैंड बनाते हैं। यहाँ पे हमारा हो गया ये हमारा हो गया नमचा बरुआ तिब्बत में, नमचा बरुआ हो गया ये हमारा तिब्बत में, ये हो गया हमारी नंगा पर्वत पीओके में। तो ये फॉर्म करती है सिंटेक्शियल बैंड। ग्रेट हिमालयाज में और हिमाद्री में कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, उसके बारे में और देख लेते हैं एक बार। लद्दाख में है जोजिला पास, जो कि इस रेंज में ही पड़ता है, जोजिला पास। हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला पास, शिपकिला पास। शिपकिला पास से सतलुज रिवर इंडिया में आ जाती है। सतलुज रिवर तिब्बत से होते हुए इंडिया में आ जाती है शिपकिला पास से। और उत्तराखंड में है ठगला पास, नीतिला पास, लिपु लेक पास। लिपु लेक पास जो है वो गेटवे है मानसरोवर का, जो मानसरोवर लेक है उसका गेटवे है ये। सिक्किम में है नथुला पास, जेलेपला पास। नथुला पास में क्या होता है, ट्रेड होता है इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और जो चाइना के जो बीच में ट्रेड होता है वो इसी पास के थ्रू होता है। और जेलेपला जो पास है वो कनेक्ट करता है गैंगटोक इन सिक्किम टू तिब्बत से, गैंगटोक इन सिक्किम टू तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश में है बोमडिला पास, ये अरुणाचल प्रदेश में। ये जितने भी पासेज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सब ग्रेटर हिमालयस के अंदर आते हैं। तो लद्दाख में आता है जोजिला पास, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, शिपकिला पास, उत्तराखंड में ठगला, नीतिला, लिपुला लिपुलेख पास, सिक्किम में नथुला, जेलेपला पास, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला पास। नेक्स्ट, द ग्रेटर हिमालय ऑलमोस्ट कॉन्टिजियस रेंजेस, मैंने बताया था कंटिन्यू है, रिसीव लेस रेनफॉल एज कम्पेयर टू लेसर हिमालयस एंड द शिवालिक। लेसर हिमालय और शिवालिक जो है उन उन रेंजेस से कम बारिश होती है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा मिडल हिमालयस और लेसर हिमालयस। मिडल हिमालयस की जो हाइट है वो छोटी है, मिडल हिमालयस की हाइट छोटी है, और ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब ये कंटिन्यू नहीं है। लाइक ग्रेट हिमालय जो कंटिन्यू थे, इनकी हाइट भी छोटी है उनसे, और इनका एलिवेशन है 3700 से लेके 4500 तक अबव सी लेवल। द फ्लैट वैली बिटवीन लेसर हिमालयज एंड शिवालिक रेंजेस, जो लेसर हिमालयाज और शिवालिक रेंजेस के बीच में ना फ्लैट वैलीज हैं, जिनको हम बोलते हैं डून्स या डर्न्स। जैसे कि देहरादून, देहरादून, इसके पीछे दून आ रहा है,
तो ये सब जो है ना, ये फ्लैट वैलीज है लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, और इसके अंदर कुछ रेंजेस हैं इम्पोर्टेंट, पीर पंजल कश्मीर, धालाधर, मसूरी रेंज, दार्जिलिंग रेंज। दार्जिलिंग रेंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। मसूरी रेंज उत्तराखंड, धालाधर हिमाचल प्रदेश, और पीर पंजल कश्मीर, ये सब इसी रेंज में आते हैं। पीर पंजल जो रेंज है वो लॉन्गेस्ट रेंज है मिडल हिमालयस की। जो पीर पंजल हमारी रेंज है वो लॉन्गेस्ट रेंज है मिडल हिमालयस की, और ये कट अक्रॉस झेलम रिवर एंड चेनाब रिवर। और जो ये पीर पंजल रेंज है ये कट करती है झेलम रिवर को और चेनाब रिवर को। पीर पंजल पास और बनिहाल पास जो है वो इसमें ही है। बनिहाल पास विच कनेक्ट जम्मू एंड श्रीनगर। धौलाधर रेंजेस जो हैं उनका एक्सटेंशन कहाँ से है? हिमाचल पीर पंजल हिमाचल प्रदेश में, और जो रावी रिवर को कट अक्रॉस करती है। धौलाधर रेंजेस रिवर रावी को कट अक्रॉस करके, पीरा पंजल रेंजेस झेलम रिवर और चेनाब रिवर को कट करती है। द रेंज कंजिस्ट ऑफ फेमस वैली ऑफ कश्मीर, इसमें कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू वैली आती हैं हिमाचल प्रदेश में, वो भी इसी में ही है। और मेजोरिटी ऑफ हिमालयन हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोरा और दार्जिलिंग, वो सब मिडल हिमालयस और लेसर हिमालयस का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा आउटर हिमालयस, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक। फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्री डिपॉजिट पुश्ड बाय द कोलिजन ऑफ इंडियन, और ये भी कैसे बने थे? वही हिमालयस का पार्ट है कि कोलिजन होके बने थे। और कंसिडर्ड द फुट हिल ऑफ ग्रेटर और लेसर हिमालयस, ग्रेटर और लेसर हिमालयस है उनके फुट हिल्स में, मतलब सबसे नीचे की तरफ आते हैं आउटर हिमालयस। सेम सोर्स मटेरियल इज द ग्रेटर हिमालय, बट इसका डिस्टेंस है 2400 किलोमीटर, एवरेज एलिवेशन 300 to 1200 मीटर। आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक्स, वही आउटर हिमालयस को शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक एक्सटेंड कहाँ से करते हैं? जम्मू डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट टू असम, जम्मू कश्मीर से लेके असम तक इनका एलिवेशन है। जम्मू रीजन में जो जम्मू हिल्स हैं वो इसमें है। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी, अबोर, मिशमी हिल्स जो हैं वो इस रेंज में पड़ती हैं, आउटर हिमालयस में पड़ते हैं। उत्तराखंड में ढंग रेंज और दुधवा रेंज है वो भी इसमें पड़ती है। और नेपाल में चुरिया घाट हिल्स है, वो भी हमारी आउटर हिमालय शिवालिक में पड़ती है। तो ये हमारा हो गया हिमालयस का टॉपिक। जो नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया हो कि हिमालयस का ओरिजिन कैसे हुआ और हिमालयस कितने पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है हमारा ग्रेटर हिमालय, जिसको हिमाद्री कहा जाता है, मिडल हिमालय लेसर, जिसको लेसर हिमालयस भी कहा जाता है, और आउटर हिमालय जिसको शिवालिक कहते हैं। तो ये थे हमारी माउंटेन्स की वीडियो Part-2। Part-1 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।